अनुराग ठाकुर ने घुमारवी में विद्युत सुदृढ़ीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 5.40 करोड़ की योजना की आधारशिला रखी और इसके बाद नमहोल में भी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 8.50 करोड़ की योजना की आधारशिला रखी। सांसद ने बताया कि जिला बिलासपुर के लिए 58 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है, जिसके तहत HT और LT लाइनें बिछाई जाएंगी, जिससे बिजली की कम वोल्टेज की समस्या दूर होगी। उन्होंने बताया कि नमहोल क्षेत्र में 4 किलोमीटर HT लाइन और 31 किलोमीटर NT लाइन बिछाई जा रही है, जिससे क्षेत्र में बिजली की समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों का परिणाम है कि आज देश के हर जगह उजाला हो रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प लिए हुए हैं। इसी के तहत किसानों के लिए जहां श्वेत क्रांति है, वहीं नीली क्रांति का भी वरदान दिया गया है, जहां पर पशुओं और फसलों से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है, वहीं नीली क्रांति यानी कि मछली उत्पादन से भी किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हमेशा ही किसानों के लिए काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हितैषी हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की समृद्ध योजनाएं ये बात की गवाह देती हैं कि भाजपा ने हमेशा किसानों का और गरीबों का ही कल्याण करने की कोशिश की है। ग्रामीण ज्योति योजना के आज इस कार्यक्रम में तो नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2.23 करोड़ रुपए के माध्यम से नई लाइनों को बिछाया जाएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे HT लाइन और LT लाइन लगभग 31 किलोमीटर की LT लाइन और 4 किलोमीटर की HT लाइन बनेगी और इसके माध्यम से जो यहां पर बिजली की समस्या रहती थी उससे मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश भर में आने वाले कई वर्षों तक बिजली की समस्या से समाधान दिलाने के लिए एक शानदार योजना चलाई है। आज यहां पर जहां 2.23 करोड़ रुपए का शिलान्यास यहां पर किया गया, वहीं पर घुमारवीं शहर के लिए IPDS स्कीम के माध्यम से लगभग 5.40 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा वहां पर किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है। कुल मिलाकर 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा केवल हमारे इन क्षेत्रों के लिए पैसा मंजूर हुआ है और अगर आप कुल विद्युत विभाग के माध्यम से देखेंगे तो लगभग 58 करोड़ रुपया हमारे जिला बिलासपुर के लिए मंजूर हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत धन्यवादी हम नरेंद्र मोदी जी के सरकार के कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य के लिए एक बहुत बड़ी सौगात उन्होंने दी। राजकान देने का भी कार्यक्रम है, राष्ट्रीय मतलब वार्षिक समारोह है आज, तो सर क्या कहना चाहेंगे, दूध उत्पादकों को भी आप सम्मानित करेंगे आज? देखिए, किसान के लिए जहां एक और खेती बाड़ी के माध्यम से तो दूसरा कहीं ना कहीं दूध की क्रांति से एक ऐसे अवसर आते हैं जिसे हम कहते हैं श्वेत क्रांति, तो उससे दूध उत्पादन के माध्यम से भी उनकी आय बढ़ती है। और जब इस तरह के संगठन स्थानीय किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए, उनके लिए अपनी ओर से एक नया कार्यक्रम शुरू करते हैं, उनको साथ में जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं दूध बेचने का उनको आसानी भी होती है, आय भी होती है और जितना सहयोग सरकार इसमें कर सके करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिल सके। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे देश भर में जहां एक और किसानों की आय को दुगना करने का प्रयास किया है कि 2022 तक हम दुगना कर देंगे, समर्थन मूल्य दाल से लेकर खरीफ और रबी क्रॉप के सबके बढ़ाए, वहीं पर श्वेत क्रांति के साथ साथ नीली क्रांति जिसको हम कहते हैं ब्लू रेवोल्यूशन, जो मछली उत्पादन के लिए है, इस तरह के काम साथ में किसान के जोड़े हैं। कोई मछली का उत्पादन करेगा, कोई दूध के क्षेत्र में काम करेगा, कोई खेती बाड़ी करेगा, इससे किसानों के लिए रोजगार, स्वरोजगार के और आय के ज्यादा बढ़ने के अवसर पैदा होंगे। अच्छा सर, वो अभी हाल ही में कामधेनु के जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने कहा है कि हर विधा में